स्वागत है आप सभी का SSK कंप्यूटर एकेडमी में। आज की इस वीडियो से मैं आज एक प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स के बारे में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। और इस प्लेलिस्ट का नाम भी हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स होगा। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो जो भी आगे डलती हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की इस वीडियो में मेरा पहला टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट पेंट का यूज़ कैसे करते हैं। उसके पेंट के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा, पेंट के फंक्शंस कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, पेंट उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, क्या क्या यूज़ होता है, कौन कौन सी उनकी शॉर्ट कीज़ होती है, शॉर्ट कीज़ क्या होती हैं, यानी कि। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। सबसे पहले रिफ्रेश कर लेंगे हम स्क्रीन को। अब हम खोलते हैं पेंट की एप्लीकेशन, विंडो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे पेंट, PAINT, ये हो गया पेंट। इसको पेज को बड़ा कर लेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये स्क्रीन दिख रही है, आपको ये हो गया पेंट फंक्शन, पूरा पेंट का एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब ये ऊपर दिख रहा है आपको फाइल, होम, व्यू, ये तीन हो गए टैब्स, इनको कहेंगे हम टैब्स, फाइल, होम, व्यू, टैब्स। फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल के टैब पर क्लिक करेंगे तो फाइल से रिलेटेड फंक्शंस मिलेंगे आपको। होम पर क्लिक करेंगे तो होम से रिलेटेड फंक्शंस होंगे। व्यू पर क्लिक करेंगे, व्यू से रिलेटेड फंक्शंस होंगे। सबसे पहले हम फाइल से स्टार्ट करते हैं। फाइल पर क्लिक किया, न्यू, सबसे पहला फंक्शन आ जाता है न्यू, इसकी शॉर्ट होती है Ctrl+N, और डेफिनेशन होती है क्रिएट ए न्यू फाइल, यानी कि क्रिएट ए न्यू पिक्चर। जैसे भी हमने एक ड्राइंग बनाई या फिर पिक्चर बनाई, अब हमें दूसरी बनानी है तो सबसे पहले हमको ब्लैंक पेज चाहिए होगा, वो न्यू हमें प्रोवाइड कराएगा ब्लैंक पेज, ठीक है। Ctrl+N इसकी शॉर्ट की हो जाएगी, यानी कि न्यू की डेफिनेशन क्या होगी, न्यू फंक्शन प्रोवाइड अस ए न्यू पेज। उसके बाद आ जाता है ओपन। ओपन फंक्शन का यूज़ किसी भी सेव फाइल को ओपन करने के लिए होता है। Ctrl+O इसकी शॉर्ट की होती है। ओपन एन एग्जिस्टिंग पिक्चर इसका ही डेफिनेशन होता है इसके अंदर, पेंट एप्लीकेशन के अंदर। इसके बाद आ जाता है सेव। सेव द करेंट पिक्चर, जो भी हमने अभी वर्तमान में बनाई है, यानी कि अभी के अभी जो हमने करेंट टाइम में बनाई है पिक्चर, उसको सेव करने के लिए सेव का यूज होगा। इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+S। सेव एज होता है जो पहले से सेव फाइल होती है ना, उसमें चेंजेस करके नए नाम से, नए फॉर्मेट के साथ, नए नाम से नई फाइल के रूप में सेव करने के लिए सेव एज का यूज़ होता है। सेव द डॉक्यूमेंट विद ए न्यू नेम और फॉर्मेट इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। F12 इसकी शॉर्ट की हो जाएगी। प्रिंट, जो भी हमने अभी स्क्रीन पर ओपन कर रखा है या फिर जो भी क्रिएट किया है, उसको प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट का यूज़ होगा। Ctrl+P इसकी शॉर्ट की हो जाएगी, प्रिंट द करेंट पिक्चर, यानी कि जो भी हमने स्क्रीन पर ओपन कर रखा है वो प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सेट एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो भी हमने ड्राइंग पिक्चर क्रिएट किया उसको हम डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड एज अ वॉलपेपर लगा सकते हैं। के बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ की शॉर्ट की होती है Ctrl+E। इसकी जो वो होता है ना डेफिनेशन, ये होती है चेंज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पिक्चर, यानी कि इसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर में ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ इसलिए होता है। प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साइज़ आ जाएगा, MB/KB में होता है साइज़, वही आएगा। जैसे आप लोग वीडियो या फिर इमेज वगैरह डाउनलोड करते होंगे, KB और MB में होते हैं ना, वही होता है ये साइज़ ऑन डिस्क। बाकी डिस्क ये रेजोल्यूशन हो जाता है, DPI में होता है ये। यहाँ से ये विड्थ हो जाएगी यानी कि चौड़ाई, ये हो जाएगी हाइट यानी कि ऊंचाई। इसको आप बढ़ाया घटा सकते हो, इससे आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया है, पिक्चर वगैरह, उसका साइज़ में चेंजेस आएंगे। इसके बाद आ जाता है अबाउट पेंट। पेंट एप्लीकेशन के बारे में आ जाएगा इस पर क्लिक करेंगे तो हम, जैसे कि ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ये एप्लीकेशन है, वर्जन 1809।
बाकी नहीं पढ़ते, बाकी बाद में अब ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा क्लास, ज़्यादा लंबी खींच जाएगी मेरा। एग्जिट से हम एग्जिट कर सकते हैं क्लोज करने के लिए एप्लीकेशन को, वापस से हम बाइक पर क्लिक करेंगे। आ गए हम होम में, अब होम के फंक्शन स्टार्ट करते हैं। होम का सबसे पहला फंक्शन है पेस्ट। पेस्ट होता है पेस्ट द कॉन्टेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड, यानी कि जो भी हमने लास्ट टाइम कट या कॉपी किया उसको हम पेस्ट कर सकते हैं कहीं भी, कितनी भी बार, कंट्रोल प्लस वी इसकी शॉर्ट की होती है। कट किसी भी चीज़ को एक जगह से मूव करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए हम कट का यूज़ कर सकते हैं। कट द सिलेक्टेड कॉन्टेंट ऑफ फ्रॉम द पिक्चर, इसकी डेफिनेशन आप कह सकते हो। बाकी इसके अंदर अलग लिखी है कट द सिलेक्शन फ्रॉम द कैनवास एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड, यानी कि जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसको कट करके क्लिपबोर्ड में रख सकते हैं हम स्पेसिफिक टाइम के लिए। थोड़ा इस शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी, कॉपी किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट जुड़वा बनाने के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस सी इसकी शॉर्ट की हो जाती है। कॉपी द सिलेक्शन फ्रॉम द कैनवास एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड, सेम इसी कट की तरह इसकी भी डेफिनेशन हो जाएगी सेम टू सेम, बस कट की जगह कॉपी आ जाएगा, कॉपी की जगह कट आ जाएगा, बाकी दोनों के सिमिलर हैं जो भी है ये डेफिनेशंस। इसके बाद आ जाता है पेस्ट, ये सिलेक्शन, सिलेक्शन इसके अंदर आ जाएंगे ऑप्शंस। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से आप रेक्टेंगुलर में सिलेक्ट कर सकते हो, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से आप किसी भी आकार में किसी भी शेप में आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल से ओवरऑल पेज सिलेक्ट हो जाएगा। इनवर्ट सिलेक्शन से जैसे हमने ये रेक्टेंगुलर में किया है सिलेक्ट, तो इनवर्ट सिलेक्शन से जिस तरीके से सिलेक्ट ऑल से ओवरऑल पेज सिलेक्ट हो जाता है, इनवर्ट सिलेक्शन से भी ओवरऑल पेज सिलेक्ट हो जाएगा। ये आ गए डॉट्स, ये यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको एरो के पास एकदम पेज के लास्ट में, यहाँ ऊपर भी आ गए, यानी कि सिलेक्ट हो गया पूरा पेज। अब इसे हम डिलीट कर सकते हैं चाहे तो ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, इसके पीछे पेज होगा तो वो शो करने लगेगा। क्रॉप, हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, वही सबक देगा, बस जो भी हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही सब देगा, बाकी हम डिलीट कर सकते हैं सिलेक्ट करके किसी चीज़ को। सिलेक्ट किया, डिलीट, इसको पेज को बढ़ा कर देते हैं यहाँ से। अब आगे क्रॉप, किसी भी चीज़ को क्रॉप करने के लिए हम क्रॉप का यूज़ करेंगे। जैसे ये हमने किया, इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं। अब इसके अंदर हम रेक्टेंगुलर में सिलेक्ट करेंगे एक पार्ट, या हमने सिलेक्ट किया क्रॉप पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ जो हमने सिलेक्ट किया है पार्ट वो ही रह जाएगा, बाकी सब इरेज हो जाएगा। दैट्स इट। रिसाइज होता है किसी भी चाइज, जो भी हमने डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है उसका साइज में चेंजेस करने के लिए रिसाइज का यूज होगा। जैसे अभी बताया था ना मैंने प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये साइज ऑन डिस्क, इसको चेंज करने के लिए रिसाइज का यूज़ कर सकते हैं हम, वहाँ से भी हो जाएगा साइज का चेंज, यहाँ से भी हो जाएगा। वो जो कैम के बीस होती हैं और एम बीस में साइज होता है उसको हम बढ़ा घटा सकते हैं इससे। जैसे आप किसी ऑनलाइन साइट पर पिक्चर वगैरह अपलोड करना चाहते हो अपनी, और वहाँ पर कोई लिमिट दी है कि इतनी एम बी से इतनी के बी से हमें फ़ोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, तो आप इससे रिसाइज उस फोटो का साइज बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो साइज, ठीक है। रोटेट राइट 90 डिग्री, राइट साइड में 90 डिग्री पर घूम जाएगा जो भी हमने सेलेक्ट किया है। ऐसी फोटो जो भी हमारा सिलेक्शन है, जो भी हमारे पास पेज है या फिर जो भी हमारी पिक्चर है उसको रोटेट करने के लिए रोटेट का यूज़ होगा, फ्लिप करने के लिए रोटेट का यूज़ होगा। बाकी पेंसिल का यूज़ आपको पता ही है, पेंसिल पर क्लिक करना है, बाकी जो सा कलर चूज़ किया होगा यहाँ पर उसी कलर में पेंसिल की लाइंस ड्रॉ। इरेजर से आप इरेज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस से इरेजर को आप बड़ा कर सकते हो, कंट्रोल माइनस से छोटा बड़ा कर देते पेज को। ये पेज बड़ा हो गया। ये होता है फिल विद कलर, यानी कि किसी भी चीज़ में जो भी आकार है या फिर कोई भी है फुली कवर्ड होना चाहिए शेप,
तभी हम इससे कलर फिल कर सकते हैं, वरना पूरे पेज पर फैल जाएगा कलर, पूरे पेज पर फैल गया जो भी हमने सेलेक्ट कर रखा है वही कलर आएगा। सेलेक्ट किया दूसरा तो आ गया, ये होता है टेक्स्ट। कहीं भी कितनी भी बार हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, बट एक बार टेक्स्ट लिख दिया तो फिर उसमें एडिट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने साहिल, जो सा कलर है उसी कलर में आएगा, इसलिए इसको कलर चेंज कर सकते हैं सिलेक्ट करके साहिल। ये आ गए टेक्स्ट के ऑप्शंस। कट कॉपी पेस्ट तो मैं बता चुका हूँ। ये जो कैलिब्री लिखा है इसको कहते हैं फॉन्ट फैमिली, होती है फॉन्ट फैमिलीज। इससे क्या है, जो भी हमारा टेक्स्ट है सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको डिज़ाइन चेंज करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं फॉन्ट फैमिलीज का। फॉन्ट साइज, टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए इसका यूज़ हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज के लिए इसका यूज़ हो जाएगा। बोल्ड, किसी भी चीज़ को डार्क करने के लिए, जैसे टेक्स्ट का कुछ सिलेक्ट किया है हमने उसको डार्क करने के लिए इसका यूज़ हो जाएगा बोल्ड का। इटैलिक, कर्सिव में करने के लिए इटैलिक का यूज़ हो जाएगा टेक्स्ट को। अंडरलाइन, जो भी हमने सेलेक्ट कर रखा है टेक्स्ट उसके नीचे लाइन ड्रॉ हो जाएगी बॉटम में। स्ट्राइक टूल से, जैसे अंडरलाइन से नीचे की साइड ड्रॉ होती है बॉटम में लाइन, इसी तरीके से स्ट्राइक थ्रू में मिडल में लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आगे आ जाता है ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के बारे में आप जान सकते हो, आपको पता ही होगा, जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जिसके पारदर्शी कहते हैं जिसको हिंदी में। ओबिक उसका उल्टा हो जाता है, जिसके जैसे एक ऑब्जेक्ट होता है उसके पीछे का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता तो वो ओपेक होता है। ट्रांसपेरेंट होता है जो जैसे शीशा होता है उसके पीछे का ऑब्जेक्ट दिख जाता है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बाकी कलर टू कलर वन आ जाते हैं। कलर वन हो जाएगा हमारा ये जो पेज का कलर है, कलर टू हो जाएगा जो भी हमारी वो जो रहती है। अभी मैं करके दिखाता हूँ ये आपको, और पेज हमारा जो हमारे इसके पेज के पीछे जो प्लेट होती है उसको ज़ूम आउट करते हैं। ले लिया कलर टू में लिया, अब यहाँ से खींचेंगे हम तो ग्रीन कलर में आएगा। आगे ऐसे चेंज किया इसको कलर, ऐसे आप अलग अलग कलर में दे सकते हो पेजेस को, मल्टी कलर पेज कर सकते हो आप इससे। पेज टू से कलर वन से जो भी हमने टूल्स लिया है उसका कलर यूज हो उसका कलर सेट कर सकते हैं कलर वन से। कलर टू से पेज के बैकग्राउंड का, यानी कि पेज के ही कह सकते हैं एक तरीके से। एडिट कलर से हम, जैसे यहाँ पर कोई शेड नहीं रहा तो हम अपने हिसाब से अपना एक शेड बना सकते हैं, जितने चाहे बनाकर ओके कर देंगे यहाँ पर ऐड ओके करेंगे वो आ गया। इस तरीके से आप बना सकते हो। इसका टेक्स्ट का साइज बढ़ा लेंगे, टेक्स्ट का साइज तरीके से हम टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते। बाकी ये 3D पेंट है, 3D पेंट की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी इस पर क्लिक करने से। बाकी आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो फिर आपको भी समझ, आप भी बोर हो जाओगे। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो कोई भी डलती है नहीं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए।